नमस्कार, मैं कुमार प्रभोदर, स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। और आज हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के त्याग, तपस्या, बलिदान, कुर्बानी, इसकी तारीफ करने यहां पर आपके सामने मौजूद है। हम आपको बताने आए हैं कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मिशन को पूरा करने के लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। नीतीश कुमार जब पिछले साल अगस्त में जब राजद के साथ 9 अगस्त का दिन था, जब उन्होंने बीजेपी से अपना तालमेल तोड़कर राजद के साथ सरकार बनाई थी, तो हुंकार भरी थी कि हम पूरे देश को बीजेपी से मुक्त कर देंगे। और बीजेपी से मुक्त करने के लिए देश को नीतीश कुमार कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, ये हम आपको बताने बैठे हैं। ये हम आपको बताने आए हैं कि नीतीश कुमार ने अपने इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान सबको दांव पे लगा दिया है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि देश से बीजेपी को समाप्त किया जा सके। अब जरा देखिए, नीतीश कुमार अपने सियासी जीवन में जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, उसमें सबसे बड़ी बेइज्जती इनको झेल रहे हैं, जब से वो राजद के साथ गए हैं तब से। और तमाम बेइज्जती को झेलकर, तमाम अपनी जिल्लत जलालत को झेलकर नीतीश कुमार चुप है, शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन की तरह उनकी निगाहें दिल्ली की सत्ता पर लगी है। उनको लग रहा है कि जिस तरीके से अर्जुन ने अपनी निगाहें मछली की आंख पर टिकाए रखी थी और तब वो उस कंपटीशन को जीत पाए थे, उसी तरीके से हमारी निगाह जो है वो दिल्ली की सत्ता पर आनी चाहिए ताकि नरेंद्र मोदी को हटा सके। अर्थात देश में ऐसा कौन नेता होता जो इतनी जिल्लत जलालत सहकर भी सरकार में कुर्सी पर भरा होता। हमने देखा बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड में मधु कोड़ा एक बार सिंगल निर्दलीय विधायक होकर भी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन मधु कोड़ा की भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी बेइज्जती नीतीश कुमार की हो रही है। हर रोज हो रही है। आप हर रोज न हो तो हर पखवाड़े, हर सप्ताह आरजेडी का कोई ना कोई नेता उनको भरी बाथरी में बेइज्जत कर दे रहा है। अब देखिए, अब हालिया जो प्रकरण चल रहा है उसमें जब आपके सामने बैठे हैं अभी बताने के लिए, तो आज का ही देख लीजिए, एक एमएलसी है आरजेडी के, सुनील कुमार सिंह। तो सिर्फ एमएलसी नहीं है, उनको माना जाता है कि लालू परिवार के सदस्य हैं। अभी देखा होगा आपने कि लालू जी का जन्मदिन आया था तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने कहां गए? सुनील कुमार सिंह के यहां गए, आरजेडी के एमएलसी उनके यहां गए। राबड़ी देवी उनको अपना भाई मानती है, राखी बांधती है। सुनील सिंह के घर में जब फंक्शन होता है, उनके यहां शादी थी, तो पूरा जो परिवार का के तरफ से रस्म की जाती है, वो सब रस्म जो है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों ने, तेजस्वी यादव ने, तेज प्रताप यादव ने, इन लोगों ने किया था। तो इतने खास है। अब सुनील कुमार सिंह एमएलसी पिछले 3 दिनों से जो कुछ कर रहे हैं, वो कोई स्वाभिमानी नेता कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कि हमको समझ में आता है कि नीतीश कुमार में कितनी सहन शक्ति है कि वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए, आज का वाकया है, जो राजद के एमएलसी है सुनील सिंह, उन्होंने लिखा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का मोस्ट अनरिलायबल पर्सन, मैंने सबसे ज्यादा अविश्वसनीय नेता कौन है, तो इसका जवाब कौन देगा, क्या होगा? फिर से सुना देते हैं आपको कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन, यानी सबसे ज्यादा अविश्वसनीय नेता कौन है, तो इसका जवाब क्या होगा? सुनील कुमार सिंह ने यह पोस्ट लिखा। देखिए, नीतीश जी की सहन शक्ति को देखिए, नीतीश जी के पार्टी के सहन शक्ति को देखिए, उनकी पार्टी में से कोई कुछ नहीं बोला। 6-7 घंटे तक यह पोस्ट था सुनील कुमार सिंह का, और उसके पीछे नीचे जो जवाब आए, जब तक हमने देखा था तकरीबन 170 जवाब आए थे, 170 पे 169 ने नीतीश कुमार का नाम लिखा। किसी ने लिखा पलटू राम, किसी ने लिखा बिहार का मौजूदा मुख्यमंत्री वो सबसे ज्यादा अविश्वसनीय नेता है। फिर उसके बाद मजे लेकर सुनील कुमार सिंह ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी पर चुपचाप बर्दाश्त कर गई। त्याग की मिसाल देखिए ना, त्याग की मिसाल कल भी हमने देखा एक दिन पहले शनिवार को, जब फेसबुक पर फिर सुनील कुमार सिंह जो लालू परिवार के सदस्य माने जाते हैं, उन्होंने लिखा फेसबुक पर, आप सुन लीजिए, लाइन बाय लाइन बता रहे हैं उनका, उनकी भाषा में, इसलिए कागज पढ़ना पड़ रहा है कि देखिए मित्रों, मैं तो बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही, लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर लिया हूं, परंतु मेरे नाक के ठीक नीचे और अगल बगल में
अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़ग सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो ईमानदार हूं ना। वही हालत तो कहीं इस प्रदेश के डॉट 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 का है। भाई साहब, सुनील सिंह ने किसी का नाम नहीं लिखा, तो खुद जेडीयू वाले ही समझ गए। जेडीयू के पदाधिकारी है निखिल मंडल, उन्होंने लिखा सुनील सिंह इस पोस्ट को आप हटा लीजिए और आरजेडी कार्रवाई करे। लेकिन बाकी कोई कुछ नहीं बोला। जेडीयू के बहुत सारे बरबोले आप प्रवक्ताओं को देखते होंगे, देश भर के, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर वो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे से लेकर सिद्धारमैया से लेकर वो तमाम मसलों पर बोलेंगे जो बाइडेन पर ही बोलेंगे। लेकिन सुनील सिंह का जो हमला है, सुनील सिंह जो गर्व और कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से एक छोटे से प्रवक्ता को लगा दिया गया कि आप सुनील सिंह के बारे में बोल दीजिए। सुनील सिंह यही सिर्फ ये दो फेसबुक पोस्ट की बात नहीं है, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि नीतीश कुमार अधिकारियों को वीपन यानी अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसको ठीक करना होता है वहां पर अधिकारियों को लगाते हैं। सुनील सिंह ने कहा मेरे साथ नीतीश कुमार ने ऐसा ही किया था। अच्छा, सुनील सिंह विश्वमान एक सहकारी संस्था है, बड़ी सहकारी संस्था है बिहार की, उसके अध्यक्ष है। तो सुनील सिंह ने कहा कि मेरे साथ ही नीतीश कुमार ने ऐसा किया था कि मुझे ठीक करने के लिए सीके अनिल को जैसे आईएएस को लगा दिया था, लेकिन सीके अनिल जैसे आईएएस को यह अलग पता बाद में चल गया कि नीतीश कुमार वीपन के तौर पर हमको अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे, तो वो मेरे मित्र बन गए। भाई, इतनी बेइज्जती मुख्यमंत्री की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के फैमिली मेंबर जिसको माना जाता उसकी ओर से, फिर भी सन्नाटा। एक दिन जेडीयू के मंत्री जो है किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाते नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मेंबर अशोक चौधरी, उन्होंने बोल दिया कि कौन है सुनील सिंह मैं नहीं जानता। अगले दिन सुनील सिंह ने पानी उतार दिया कि अशोक चौधरी इसका नाम तो आ गया था, राजेश सिंह इनका नाम आ गया था राजेश सिंह हत्याकांड में, और ये लालू प्रसाद यादव का पैर पकड़ते थे और पैर पकड़ के इनकी जान बची। ये अशोक चौधरी इतने बड़े दल बदलू है, ये किसी प्रदेश का एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और ये जाके भाग खड़े हुए और शामिल हो गए जेडीयू में, इनका कोई पता ठिकाना नहीं है, ना इनकी कोई विश्वसनीयता है, ऐसी कैसी अशोक चौधरी कर दी। फिर भी देख लीजिए जेडीयू में एकदम लगा ऐसे जैसे पूरा सन्नाटा पसरा, उसे तो कुछ हुआ नहीं। तो नीतीश कुमार इतना त्याग और इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसा आज तक हमें नहीं देखा। तो चलिए आप देखिए, 18 साल से वो बीजेपी के साथ है, 18 साल से वो सरकार में है, उसमें ज्यादातर समय वो बीजेपी के साथ रहे हैं। बीजेपी किसी नेता को हमने नहीं देखा। और ये इकलौता सुनील सिंह का वाक्य थोड़ी है, आप याद कीजिए सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह अगस्त में जब सरकार बनी पिछले साल, उसके बाद वो मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने नीतीश कुमार को खुलेआम बेइज्जत करना शुरू किया। एक दिन कैबिनेट की बैठक में सुधाकर सिंह से नीतीश कुमार ने कुछ सवाल पूछा, तो फाइल पटक कर वहां से निकल गए। नीतीश कुमार कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बाद में सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद हर रोज सुधाकर सिंह अपनी हर सभा, हर बैठक, मीडिया के सामने हर बयान में नीतीश कुमार की ऐसी कैसी कर दे रहे हैं। शुरू में तो जेडीयू वाले कहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आज तक सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हुई। सुधाकर सिंह राजद के माननीय विधायक है, उसी पार्टी में है। उनसे एक बार शो कॉज पूछा गया था दिखावे के लिए, वो शो कॉज कहां गायब हो गया कुछ पता नहीं। और सुधाकर सिंह बदस्तूर अपनी बात पर कायम है, आज भी उनको मीडिया बयान लेती है, नीतीश कुमार को जी भर के पोषते हैं, नीतीश कुमार को जी भर के खड़ी फोटी सुनाते हैं। और जेडीयू पे किसी नेता की हिम्मत नहीं होती है कि वो तेजस्वी यादव पर या लालू यादव से सवाल पूछ सके कि भाई ऐसे नेता को आप पार्टी में क्यों बनाकर रखे हैं। तो सर इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार बर्दाश्त करने की सीमा तक बर्दाश्त करना है। हम तारीफ करते हैं नीतीश कुमार की, एक पॉलिटिशियन कितना बर्दाश्त कर सकता है। मंत्री चंद्रशेखर पर देख लीजिए, उन्होंने भरी कैबिनेट में जवाब दे दिया था, ऐसी चर्चा हुई थी, भरी कैबिनेट में जवाब दे दिया था। जब रामचरित मानस विवाद हुआ था, नीतीश कुमार ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप मत बोलेंगे क्या? मैं बोलूंगा। नीतीश कुमार चुप हो गए। आप 18 साल में, 18 साल से 2005 से सत्ता में, लगभग 18 साल हो गया, आज तक नीतीश कुमार को आरजेडी के मंत्रियों के अलावा किसी ने जवाब नहीं दिया हुआ कैबिनेट में, और फिर भी नीतीश कुमार बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि नीतीश कुमार
उस स्टेज की वो एक तपस्वी आप मान लीजिए, वो सियासी तपस्वी है कि वो सब कुछ त्याग करके अपना जमीन, अपना सम्मान, अपनी इज्जत, सब कुछ त्याग करके सबको दांव पर लगाकर वो किसी तरीके से बीजेपी का खात्मा करना चाहते हैं। ऐसे त्याग और बलिदान कुर्बानी को कोई सलाम न करे तो ये बड़ा नाइंसाफी वाली बात होगी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के जज्बे को सलाम कीजिए। अब मुझे लग रहा है कि वो अपने जज्बे, अपने मिशन को, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन भाई इतनी बेइज्जती नीतीश कुमार के 18 साल में कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है, और सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। देखते हैं कितना बर्दाश्त करेंगे, इंतजार करेंगे। 24 का इलेक्शन है लोकसभा का, 25 का इलेक्शन है, नीतीश कुमार कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, यही हम देखेंगे और सब बात आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए अभी इजाजत, नमस्कार।